मीठी गुंजिया तो दोस्तों आपने कई बार खाई होंगी, कसार वाली गुंजिया, मावे वाली गुंजिया, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता एकदम कुरकुरी सी नमकीन वेज गुंजिया। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है एकदम नए फ्लेवर में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे हम यहाँ पे मैदा। तो मैदा हमने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम। अब इसमें बना लेंगे गड्ढा सा ताकि हम अपने मोयन को ऐड कर सकें। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा कप लिया है ये मोयन। तो ये करीब हमारा 5 से 6 चम्मच के आसपास मोयन है। अब इसको कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मोयन के लिए घी भी ऐड कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें मिलाया है यहाँ पे नमक। तो नमक ज़रूर डालें। तो मुठिया बनने लगी है। अब इसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और एकदम परफेक्ट साइज़ का आटा लगा लेंगे। जैसा नॉर्मल रोटी वाला आटा होता है ना, तो सेम ऐसा ही हमको इसका आटा लगाना है। तो ज़्यादा टाइट आटा हम नहीं लगाएंगे इसका। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से मथ लिया है। अब इसको मैं रेस्ट दूंगी यहाँ पे 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से और भी सॉफ्ट हो जाए। तो किसी प्लेट से इसको ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो चलिए अपनी सब्जियाँ देख लेते हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने गाजर बहुत ही फाइन सी चॉप करके। 2 आलू ले लिए हैं, इनको भी फाइन सा चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने ली है 3 हरी मिर्च, इनको भी बारीक कट कर लिया है। और ये 1 प्याज। और यहाँ पे ले ली है मैंने स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरी प्याज, इनका हरा वाला पार्ट और वाइट वाला पार्ट दोनों पार्ट लेने हैं। तो चलिए गैस ऑन कर ली है और यहाँ पे रख ली है मैंने एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी करीब 2 चम्मच के आसपास घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए घी को गर्म होने देते हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं अपनी बारीक कटी प्याज। तो इनको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ी। चलिए ये हल्की सॉफ्ट हो गई है, इनका कलर चेंज होने लगा है। अब इसके बाद ऐड करेंगे अपनी बारीक कटी हुई सारी सब्जियां जो भी हमने यहाँ पे ली है। आप चाहे इसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी और जो भी आपको पसंद हो सब्जियां वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बारीक बारीक फाइन सा कट करके। अब इनको चला लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। ये सब्जियां हमारी जल्दी से पके तो उसके लिए ऐड करूंगी मैं 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच कलर बहुत ही अच्छा आएगा लाल मिर्च पाउडर। और इनको लो फ्लेम पे एकदम हम फ्राई कर लेंगे। तो नमक डालने से बहुत ही जल्दी से हमारी सब्जियां कुक हो जाएंगी। तो इनको ढक के भी रखने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐड करूँगी मैं 1 चम्मच टमाटो केचप, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर और 1/2 चम्मच छोला मसाला। छोला मसाला से बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है हमारी इस रेसिपी में। अगर छोला मसाला नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दीजिए। गरम मसाला नहीं है तो थोड़ा चाट मसाला ऐड कर दीजिए। तो चलिए सब्जी हमारी सारी अच्छे से पक गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और आटा चेक कर लेंगे। आटे को मैं दोबारा से एक बार और मत लूँगी ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। देख सकते हैं दोस्तों कि कितना सॉफ्ट ये हमारा आटा हो गया है। तो अब मैं छोटी छोटी इसकी लोइयां तोड़ लूँगी और इनकी पेड़ियां बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटे साइज़ में हमको इसकी पेड़ियां नहीं बनानी है। तो साइज आप देख सकते हैं कैसे मैं छोटी छोटी इसकी पेड़ियां बना रही हूँ। तो एक बार ही सारे आटे की ऐसे पेड़ियां बना के रख लें। तो लीजिए दोस्तों, मैंने सभी की पेड़ियां बना ली हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लेंगे एक कटोरी। कटोरी में ऐड करूँगी मैं 1 चम्मच मैदा
और थोड़ा सा पानी। यहाँ पे बनाना है हमको इसका पतला सा घोल, तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे घोल बन के तैयार है मैदे का। अब ले लेंगे यहाँ पे चकला बेलन और रख लेंगे अपनी एक पेड़ी को, जो मैदे की पेड़ी बनाई थी हमने, और इसको बहुत ही पतला सा हम बेल लेंगे। जैसे पतली रोटी बनाते हैं ना, तो सेम ऐसा ही साइज आप छोटा बड़ा अपनी पसंद से रख सकते हैं। तो एकदम गोल शेप में बनानी है। अगर आपसे गोल बेलना नहीं आता तो आप किसी ढक्कन या कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जो ये मैदे का हमने घोल बना के रखा था, तो चारों साइड किनारों पे हम लगा देंगे। अब इसके बाद जो हमारी सब्जी पकी हुई सब्जियों की फिलिंग थी, तो वो रख लेंगे एक साइड में, और दूसरे वाला पार्ट लेंगे और आगे की साइड इसको फोल्ड कर देंगे। तो थोड़ी सी मैं फिलिंग को सेट कर लूँगी ताकि ये बाहर की साइड निकले ना। तो ऐसे किनारों को दबा देंगे, चिपका देंगे एकदम बराबर। तो मैदे का घोल लगाया था तो बहुत ही जल्दी से ये चिपक जाते हैं दोनों किनारे। अब इसको अच्छा डिजाइन देंगे हम यहाँ पे एक फोक की मदद से। तो मैंने यहाँ पे एक फोक ले लिया है और हल्का हल्का सा हम इसको दबा लेंगे ताकि इसमें थोड़ा डिज़ाइन भी बने और जो ये किनारे हैं और भी अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, कितना आसान है इसको बनाना। तो लीजिए दोस्तों, बनके तैयार है हमारा ये यहाँ पे नमकीन वेज गुंजिया का डिज़ाइन। चलिए इसको साइड में रख लेते हैं और एक और डिज़ाइन मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ताकि आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकें। तो मैंने यहाँ पे एक और पेड़ी को बेल लिया है और किनारों पे मैं मैदे का घोल लगा दूंगी। अब इसमें रख लेंगे अपनी फिलिंग को। तो फिलिंग बहुत ज़्यादा ना भरें, नहीं तो फ्राई करेंगे तो निकलने का डर रहता है। तो सेम उसी प्रोसेस से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और किनारों को आपस में चिपका लेंगे। फिंगर से मैं ऐसे इसको सेट कर दूंगी। अब फोक से हम इसमें डिज़ाइन बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें चम्मच से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये भी बन के रेडी है। तो जो बाकी का हमारा आटा है उसकी भी सेम ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे अपनी नमकीन वेज गुंजियाओं को और फ्राई करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, मैंने सभी को बना के तैयार कर लिया है। तेल हमारा हल्का गर्म है, तो इसी स्टेज पे हम अपनी इन गुंजियाओं को ऐड करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही हल्के तेल गर्म में हमें इनको फ्राई करना है ताकि ये एकदम क्रिस्पी बने। तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। अगर आपको लगे कि तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दें, तभी हमारे यहाँ पे ये नमकीन वेज गुंजिया बहुत ही खस्ता कुरकुरी बनेंगी। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे 5 मिनट हुई हैं इनको फ्राई करते हुए, और देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। जब भी आप अपनी गुंजियाओं को फ्राई करें तो बहुत जल्दी जल्दी से इनको अल्टे पलटे ना, नहीं तो इनको टूटने का डर रहता है। तो जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो तब इनको हम पलट लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने इनको अलट पलट के दोनों साइड से फ्राई कर लिया है, और देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। अब अपनी सभी नमकीन गुंजियाओं को हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और जो बाकी की हमारी गुंजिया है उनको भी सेम इसी प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है इनको बनाना।
आप चाहें तो इनको चाय कॉफ़ी के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो इनको टमाटो केचप या अमचूर की खट्टी मीठी चटनी के साथ भी इनका मज़ा ले सकते हैं। और दोस्तों तैयार है हमारी बनके सभी यहाँ पे गर्मा गर्म नमकीन वेज गुंजिया, तो एक बार देख लीजिए कि कितनी ये खस्ता करारी बनी है। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है हमारी नमकीन वेज गुंजिया। एक बार मैं आपको इनका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि कितनी ये क्रिस्पी बनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।